बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब हूँ, अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारा 49 नंबर लेक्चर है और ये जो है ना पेज 160 से लेकर 162 तक हम सवाल हल करेंगे और सवाल नंबर हमारा 6 से लेकर वो जो है ना 12 तक है इस चैप्टर का। सवाल नंबर 6 तो ये कुछ इस तरह से है, 100 फीट तक जोर लगाने पर एक मशीन 1 फुट वजन उठाती है, यानी 100 फीट तक जोर लगाने पर एक मशीन 1 फुट, ये फुट पाउंडर यहाँ थोड़ा सा फुट लिखा गया, वजन उठाती है 1.5 ब्रिटिश टन वजन उठाने के लिए कितनी ताकत दरकार होगी अगर मशीन की एफिशिएंसी 55% हो। तो इस सवाल को आइए हम समझते हैं, हल करते हैं। तो सपोज फोर्स इज इक्वल टू एक्स पाउंड्स, यानी इस जो हमने जवाब निकालना है वो एक्स पाउंड्स है, तो देन वर्क क्या होगा, 100 फीट ज़रब एक्स पाउंड, 100 फुट पाउंड्स, ये 100 फुट पाउंड्स बन गए। तो अब ये 1.5 टन है, इसको पाउंड बनाते हैं इसके, तो वेट इज इक्वल टू 22240 × 1.5 = 3360 pounds। 1 टन में 2240 pounds होते हैं, तो ये हमारे 3360 pounds आ गए। तो देन वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हमारा 1 फुट है, 1 फुट दर पर 3360 ये फुट पाउंड बन गया, ये 1 फुट है, 1 फुट से ये 3360 foot pounds बन गया। तो एफिशिएंसी ये होगी वेट लिफ्टेड बटा फोर्स अप्लाइड, वेट लिफ्टेड बटा फोर्स अप्लाइड। अब साथ ही ये एफिशिएंसी है, ये 55/100 है, ये एफिशिएंसी दी गई है ये वाली, ये 55% है। तो अब हमने हकीकत बात ये है कि अब हम इसकी वैल्यू पुट अप करते हैं, तो वेट लिफ्टेड, ये वेट लिफ्टेड हमारा है ये जो है 3360 यहाँ से लिया, 3360 × 1 = 3360। तो आगे फोर्स अप्लाइड हमारी यहाँ से लिया 100x, 100 × x या 100x एक ही बात है, फुट पाउंड है। तो ये जो है ना ये हमारी 55/100 है, यानी ये वाली हमने ये मसावात को ये चेंज कर लिया। अब हमने x को अकेला करना है, x यहाँ चला जाएगा, 55 यहाँ चला जाएगा, 100 यहाँ चला जाएगा, ये आपके सामने x बराबर 3360/100/100/55 61.09 foot pounds, ये पाउंड फुट एक ही बात है, ये एफ आगे लिखा गया है लेकिन फुट पाउंड एक ही बात है, पाउंड फोर्स या फुट पाउंड फोर्स। आगे हमारा सवाल नंबर 7 है, एक स्क्रू जैक है, स्क्रू जैक बेसिकली ट्रक या बस या कोई ऐसी भारी चीज़ को उठाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये इसके अंदर एक राड होता है जिसको घुमाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा स्क्रू जैक घुमाते हैं, तो वो घूमता है और उसके ऊपर एक जगह होती है जो वो क्या कहते हैं फ्री होती है, तो वो वेट उसके ऊपर ऊपर को उठता जाता है, आहिस्ता आहिस्ता उठता जाता है। तो ये हमारे बड़े काम की चीज़ होती है, इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है और वो जो है ना ऑटोमोबाइल की वर्कशॉप में यूज़ होता है। तो उसमें लीवर की लंबाई 30 inches है और मशीन की एफिशिएंसी 80% है, रगड़ रुगड़ की वजह से कम हो जाती है, इस पर 50 pounds की ताकत लगाई जाए तो स्क्रू जैक, यानी एक शख्स जो उसको उठाने की कोशिश कर रहा है वो 50 pounds की ताकत लगा रहा है, स्क्रू जैक कितना वजन उठाएगा। तो स्क्रू जैक के ने जो है ना वो वज़न के लिए ये फार्मूला होता है, ताकत ज़रबे घुमाने वाले राड के सिरे का मुहिती फासला, यानी वो सरकमफ्रेंस वो क्या कहते हैं डिस्टेंस, और ज़रबे एफिशिएंसी परसेंट में, एफिशिएंसी परसेंट में ये बराबर होती है वज़न ज़रबे स्क्रू पिच। स्क्रू पिच क्या होती है, स्क्रू पिच ये होती है कि स्क्रू जैक के अंदर एक स्क्रू होते हैं, तो स्क्रू के एक चूड़ी के ये इसको कहते हैं उसके दूसरी चूड़ी के दरमियान का जो फासला है उसको स्क्रू पिच कहते हैं। तो ये जो है ना लाजमी तौर पर ये दोनों मकदारें जब बराबर होंगी तो इसका मतलब ताकत अगर कम होगी तो ये फासला ज़्यादा होगा, यानी इसका हासिल ज़रब बराबर होना चाहिए, हासिल ज़रब बराबर होना चाहिए, और एफिशिएंसी के साथ अगर 80% है तो ये जो है ना बराबर होना चाहिए। और फिर आगे जो है ना जो उठाना है वज़न और स्क्रू, तो वज़न ज़्यादा यहाँ होगा तो स्क्रू जो है ना वो होगा
कुछ मिलीमीटरों में आएगा या वो इंच का कुछ मामूली सा हिस्सा आएगा, यानी वो चूड़ी इतनी की छोटी थोड़ी सी होगी। तो यूनिट एक जैसे हम लेंगे, क्योंकि अगर आपने यूनिट ये केजीज लिए, ये मीटर लिए, तो इधर भी केजीज मीटर लेने पड़ेंगे, दोनों मीटर में लेंगे। तो फोर्स यानी अब हम इसको वो जो है ना मैथमेटिकल अंदाज में लिखते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टू पाई एल, टू पाई एल यहाँ टू पाई आर होता है, ये टू पाई एल कर दिया, आर से मतलब या एल से मतलब ये है कि वो लीवर जो है ना रेडियस का काम कर रहा है, जो लीवर जो घुमा रहा है, ये लीवर की लंबाई 30 इंच है, ये रेडियस का काम कर रहा है, ये इससे हम सर्कमफ्रेंस की लंबाई मालूम करेंगे, ये सर्कमफ्रेंस आ गया, फोर्स मल्टीप्लाई बाई सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाई बाई एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ये जो है ना ये जो कुछ ये है ये मिलकर बन गया वेट ज़रबे पिच, पिच यानी लिफ्ट, लिफ्ट कितने कितने मिलीमीटर लिफ्ट होगी या कितने इंच लिफ्ट होगी। अच्छा जी, ये जो है ना इसमें ये देखें, फोर्स ज़रबे टू पाई एल ज़रबे एफिशिएंसी वेट ज़रबे पिच लिफ्ट, कितना ऊंचा उठना है, कितने मिलीमीटर या इंच के कुछ हिस्सा उठना है। राउंड डिस्टेंस यहाँ तशरीह की गई है सर्कमफ्रेंस टू पाई एल, यानी टू पाई ज़रबे लेंथ ऑफ दी लीवर, ये बेसिकली आर होगा रेडियस। तो वेट को अकेला करना क्यों, निकालना तो हमने ये है, तो फोर्स ज़रबे टू पाई एल ज़रबे एफिशिएंसी परसेंट बटा पिच, तो ये आगे 50 मल्टीप्लाई बाई टू पाई इंटू 30 मल्टीप्लाई बाई 80 100 ज़रबे 0.5, ये हमारी ये जो है ना ये पिच है, यानी 0.5 हर चक्कर के बाद 0.5 उठेगा हर पूरे सर्कल के बाद, तो ये हमारा 0.5 पहले कन्वर्ट किया गया इंचों में, तो यहाँ इंचों में है तो सारा कुछ इंचों में होगा, तो ये आ गया जी 15.0860 pounds। ये एक हमारी आगे ये सवाल आ रहा है, एक मीटर राड को मिडल पॉइंट ओ पर शक्ल के मुताबिक एक पाइवट पर टिकाया गया है, दाएं तरफ बी पर एक वजन 10 न्यूटन अमल कर रहा है, इसका ओ से फासला 40 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर दूर दूसरे वे वजन W1 की मिकदार मालूम करें। तो ऐसे सवालों में हम दोनों वजन की फोर्सेस में तोज़न है, इस वजह से फासला के लिहाज ये फोर्सेस भी बराबर होंगी। ये आइए ये डायग्राम में देखते हैं ये क्या है। ये एक वेट है, ये देखें ये एक रॉड है, तो ये पाइवट किया है, पाइवट से मतलब ये है कि एक नोकदार चीज़ है जिसको वो वेज टाइप है उसके ऊपर टिकाया गया गया है, वो ये उसके ऊपर टिका हुआ है, तो ये इन फोर्सेस की वजह से बैलेंस हो रहा है। इसमें ये एक वेट है, ये एक वेट है, तो अब हमने निकालना है W1 निकालना है, तो ये हमारा हमें दिया गया है। ये इस किस्म के बैलेंस वजन नापने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और दीगर कामों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इसमें यह क्लॉकवाइज मूवमेंट इजिकल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, तो ये क्लॉकवाइज ये देखें, ये अगर इधर को घूमेगा तो ये ऊपर को जाएगा, ये इधर को घूमेगा तो ऊपर को जाएगा, ये एक क्लॉकवाइज चलेगा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो ये क्लॉकवाइज से मतलब ये है कि घड़ी की सुई जिस तरफ को चलती है वो क्लॉकवाइज कहलाती है, तो जो घड़ी की सुई जिसको उल्ट चलती है वो बनाएं एंटी क्लॉकवाइज चलाती है। तो अब यहाँ हम देंगे W1 ज़रबे ओ ए, यानी ये वजन ज़रबे फासला वेज का फासला यहाँ से W1 ज़रबे ओ ए, तो ये W2 ज़रबे ओ पी मल्टीप्लाई बाई ओ पी, तो ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगे। इसमें W1 हमने निकालना है, ये 0.25 है मीटर है, ये वाला 25 सेंटीमीटर है, इसके मीटर बनाए गए हैं, 0.25 मीटर बनता है 25 सेंटीमीटर का। तो इसी तरह से ये आ गया 10 न्यूटन ज़रबे 0.4 मीटर, ये वो जो है ना 40 सेंटीमीटर का 0.4 मीटर बनता है, तो इसमें W1 को अकेला किया 10 मल्टीप्लाई 0.4.5 ये 16 न्यूटन, यानी ये 16 न्यूटन वजन होगा। अच्छा ये थोड़ा सा लिखा गया है, ऑलवेज कन्वर्ट डाटा टू द SI बिफोर सॉल्विंग एनी सम, इस किस्म के सवाल हल करते हुए डाटा को स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में तब्दील कर लें, यानी वजन हो तो KG में कर लें, अगर वो लंबाई हो तो मीटर में कर लें, टाइम हो तो सेकंड में कर लें।
ये अगला हमारा सवाल नंबर 9 है, ए यूनिफॉर्म मास्क का राड 1.5 मीटर लंबा राड एक फाना यानी वेज या पाइवट पर एक तरफ से 0.5 मीटर पर टिकाया गया, इस सिरे पर 100 न्यूटन फोर्स उसे उफकी तौर तो वजन दे रही है, राड का वजन फाना का रिएक्शन मालूम करें। अब ये सवाल उसी किस्म का लेकिन थोड़ा सा फर्क है, ये वेज पर एक राड अटकाया गया है जिसका जो हर जगह से एक यूनिफॉर्म वजन रखता है, यानी ये इतना हिस्सा हर हिस्से का एक ही जितना वजन होगा, तो इसको यहाँ टिकाया गया, इधर एक वेट है ये कुछ न्यूटन का वो जो ना वो तो 100 न्यूटन का वेट है, तो दूसरी तरफ ये राड का अपना वजन है, राड के अपने वजन की वजह से ये बैलेंस हुआ हुआ है, क्योंकि हमने इसको खिसका कर इधर कर दिया है तो यहाँ ताकत जरवे ताकत का बाजू छोटा हो गया है, जबकि यहाँ वो जो ना राड का अपना वजन एक्ट कर रहा है, तो ये हम देखते हैं सवाल को कैसे हल करते हैं। अच्छा ये इसमें रिएक्शन भी हमने मालूम करना है, इस सवाल में दो किस्म की फोर्सेस का बैलेंस करना होगा, ये हेयर एच जी ए जी या ए जी जो है ना ये हमारा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये इस राड का ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये सेंटर ऑफ रोटेशन है यहाँ जिस पर रोटेट करेगा, ये हमारा रिएक्शन इधर को रिएक्शन हमने मालूम करना है, वो फोर्सेस काम करेगी, बाकी ये एक तरफ इधर आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ये इधर आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ए जी बराबर है बी जी, ए जी बराबर है बी जी, यानी ए जी ये अगर सेंटर पॉइंट देगी बी जी के बराबर है, तो ये 0.75 है, ये भी 0.75 है, 0.5 या 0.25 0.75 दोनों 0.75 है, और मीटर है, और ओ जी किसके बराबर है, ओ जी बराबर है 0.75 मनफी 0.5 तो ये 0.25 निकल आया, 0.25 मीटर है, ठीक है। एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू ये मालूम करना है, इसका वेट मालूम करना है, ये इस साइड पर जो फोर्सेस काम कर रही है, और आर बी अपसाइड भी रिएक्शन वो भी मालूम करना है, तो टार्क क्या होगा, तो यानी वो जो फोर्सेस है एक तरफ को ताकत जरिए ताकत का बाजू ये टार्क होता है, तो टार्क अबाउट ओ पर जो टार्क है घूमने की ताकत, यह ताकत कितनी और बाजू कितना है, तो ये इसको सिग्मा टाउ भी बोलते हैं, यानी फोर्स, और इज इक्वल टू ओ और एफ जरबे मल्टीप्लाई बाई ए ओ, यानी ये फोर्स मल्टीप्लाई बाई ए ओ प्लस आर जो रिएक्शन है मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो या रिएक्शन ज़ीरो है, मनफी दूसरी तरफ ताकत है डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई ओ जी, डब्ल्यू मतलब ओ जी यहाँ तक है, तो उल्टी ताकते हैं ये दूसरी तरफ की जो ग्रेविटी से काम कर रहे हैं, ये अगर दूसरी तरह से लें तो ये माइनस है, इसको इधर ले आए तो इक्वल हो जाता है, तो वो ताकत वजन की फोर्सेस भी निकल हो जाती, इसको करें 100 न्यूटन या अपने वैल्यू पुट अप की एफ की ये वाली, तो मल्टीप्लाई बाय 0.5 माइनस डब्ल्यू जरबे 0.25 इज इक्वल टू ज़ीरो, और हाँ ये आगे अमाल करते हैं 100 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज इक्वल टू डब्ल्यू जरबे 0.25, तो ये आ गया ये, और डब्ल्यू इज इक्वल टू 100 जरबे 0.5 और डब्ल्यू 200 न्यूटन निकल रहा है। सेकंड कंडीशन हम दूसरी तरफ उल्ट फोर्सेस सिग्मा एम वाई उल्ट फोर्सेस ये वो यानी ऊपर को जीरो करते हैं, तो आर मनफी एफ मनफी डब्ल्यू इज इक्वल जीरो, अब दूसरी सूरत में और रिएक्शन मनफी एफ मनफी डब्ल्यू ये सारा कुछ से मसावा जीरो होंगे, तो अब वैल्यू पुट अप करें आर मनफी फोर्स 100 न्यूटन थी मनफी 200 न्यूटन इज इक्वल टू जीरो, तो आर 300 न्यूटन यानी 300 न्यूटन ये काम करेगा रिएक्शन, ये हमारा बेसिकली यह लिखा बता दिया है, रिएक्शन विल कंसिस्ट वेट ऑफ द रॉड प्लस वेट सस्पेंडेड, ये सारा ये दोनों काउंट हो जाएगा, वेट ऑफ द रॉड तो ये 200 न्यूटन है तो रिएक्शन 300 न्यूटन है, ये हमारा आंसर आ गया। ये एक हमारा सादा सा सवाल है, एक पंप है वो की पावर और हॉर्स पावर मालूम करें, एक पंप की पावर और हॉर्स पावर मालूम करें जो 7000 किलोग्राम पानी 16 मीटर बुलंदी तक 10 सेकंड में पहुंचा रहा है, यानी 7000 किलोग्राम पानी है
16 मीटर बुलंदी है, 10 सेकंड वो टाइम ले रहा है, पहुँचा रहा है। तो सवाल में, इस किस्म के सवाल में पहले हम फोर्स फिर काम में बाद में मालूम करेंगे, आखिर में हार्स पावर निकालेंगे। तो इस यहाँ फार्मूला लगेगा एफ इजिकल टू एम जी, फोर्स इजिकल टू मास दर पे ग्रेविटी। तो फोर्स क्या है, 7000 के जी है, ग्रेविटी 9.81 है, तो ये हमारी टोटल फोर्स जो न्यूटन में निकलेगी 68670 न्यूटन निकलाएगी, ये हमारी फोर्स निकलाएगी। तो अब दूसरा फार्मूला है W, W बराबर है वर्क डन, फोर्स दर पे डिस्टेंस, फोर्स दर पे डिस्टेंस, ये जाउल में निकलेगी। और वर्क क्या है निकला, 68670 मल्टीप्लाई बाई 16, हमने ये 16 मीटर से लिया, ये फासला है, ऐसा यूनिट में फासले का यूनिट मीटर है लिया, तो हमारा 10987720 जाउल ये निकल आया। यानी वर्क डन जो होता है ये जाउल में होता है, फोर्स दर पे डिस्टेंस, जबकि फोर्स के जी में ली जाएगी और न्यूटन में ली जाएगी, और डिस्टेंस जो है ना मीटर में लिया जाएगा। अब हमने पावर निकालते हैं, 10987010, ये 10 क्या है, ये 10 सेकंड है, ये टाइम से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे ना वाट आ जाएंगे, ये टाइम से 10 सेकंड में एक सेकंड का आ जाएगा, 10987 वाट, ये हमारे वाट आ गए। तो इसके किलोवाट निकालने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे 109.8272 किलोवाट आ गए। अब हमारा ये तो हमारी आ गई पावर, ठीक है। अब हार्स पावर मालूम करनी है, तो पावर से मतलब मुराद या किलोवाट पावर, ठीक। तो हार्स पावर ये जो है ना, इसको आपको पता है एक हार्स पावर 746 वाट के बराबर होती है, तो ये तो हमारे वाट आ चुके हैं, ठीक है, ये हमारे यहाँ से ये वाट आ चुके हैं, ठीक है। तो इसको 746 से डिवाइड करेंगे, 147.282 हार्स पावर आ जाएगी, ये हमारा वो हार्स पावर आ जाएगी, ये आंसर हो गया। तो अगला हम सवाल करते हैं, सवाल नंबर 11। एक हार्स पावर की मोटर की अपना जो है ना हार्स पावर एक है, 10 मिनट में एक 15 मीटर ऊंचाई पर 800 लीटर टैंक को भर देती है। यानी 15 मीटर ऊंचाई पर जाए, 10 मिनट टाइम लेती है, उसकी अपनी कैपेसिटी है, वो जो है ना वो पावर एक हार्स पावर है, और 800 लीटर को भर देती है। असल किए गए काम की मकदार बताएं, एफिशियंस भी मालूम करें। अब हम पहले हम डाटा लिख लेते हैं, डाटा वाटर बराबर 800 लीटर, या अगर केजी भी लेते 800 केजी। आपको बताया हुआ है कि एक लीटर पानी का एक केजी वजन होता है, वैसे तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, लेकिन बहुत ही माइन्यूट सा फर्क पड़ता है, तो इसको हर टेम्परेचर पर ले लेते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से लेकर 100 तक। अच्छा, वाटर की डेंसिटी भी बताई गई है, हाइट 15 मीटर है, टाइम 600 वो जो है टाइम 600 सेकेंड है, वो जो है ना टाइम जो है ना वो ये घास पावर मोटर 10 मिनट के अगर सेकंड बनाए तो 600 सेकंड बनते हैं, यहाँ हमने 10 मिनट के सेकंड बना लिए हैं। तो फोर्स बराबर एम जी, तो एम जी बराबर 800 × 981, तो ये हमारा आ गया 7848 न्यूटन, यहाँ से ये जो है ना वो न्यूटन आ गया, मास दर ग्रेविटी। तो ये वर्क आ गया एफ एस, वर्क आ गया फोर्स दर डिस्टेंस, तो 7848 दर 15 मीटर, 15 मीटर कहाँ से आए, ये हमारा ये है, ये ऊंचाई है, ये फासला है, 15 मीटर फासला है, जी का हिसाब पहले ही हो चुका है, इस वजह से जी का यहाँ कंसर्न नहीं है। ये हमारा 11,7720 जाउल निकल आए, ये हमारे इतने जाउल निकल आए। अब हमने पावर निकाल लिया है, तो पावर के लिए ये जो है ना इसको जाउल बटा टाइम में एक सेकंड में आएगा वो पावर होगी, तो ये जाउल बटा टाइम 600 सेकंड से हमने डिवाइड करेंगे तो पावर निकल आई, वह 196.2 वाट ये आ गई। एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, एफिशिएंसी निकलेगी 196.2 मल्टीप्लाई बाय 746, ये वो हार्स पावर होती है, मल्टीप्लाई बाय 100 26.3, ये हमारी एफिशिएंसी निकल आई। अच्छा, वर्क डन बाय मोटर ने 746/600, तो ये हमारी इतनी जाउल आ गई, ये हमारा यानी वो ये निकाल आई, ये 746 एक हार्स पावर का लिया और 607 काम किया, तो ये हमारी इतनी जाउल वर्क डन आ गए, ये यहाँ से निकाल दिया, क्योंकि ये एक हार्स पावर की मोटर है तो ये 746 वाट की है, यहाँ वाट में हिसाब हो रहा है, तो इस वजह से इसको ये इसमें कन्वर्ट करना ज़रूरी है। ये अगला हमारा 12वां सवाल है, एक हाइड्रोलिक प्रेस,
ये हाइड्रोलिक प्रेस आमतौर पर काटन की बेल्स वगैरह वो कोई पत्रियां लगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो हाइड्रोलिक प्रेस में उसको प्रेस करके काटन को, वैसे तो और कामों के लिए भी इस्तेमाल होती है, तो प्रेस करके वो बिल्कुल टाइट कर दिया जाता है, फिर उसमें से एक लोहे की पत्रियां सी ब्रीक सी लगाकर उन पत्रियों को वो क्या कहते हैं बाइंड कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है और वो बेल टाइट हो जाती है, फिर वो दूसरी जगह पहुँचाने पर काम आती है। तो ये एक हाइड्रोलिक प्रेस पर 100 न्यूटन की कुव्वत एक पिस्टन पर डालेगी, एक साइड पर 100 न्यूटन की कुव्वत डालेगी। इसकी डिटेल अगर आपने पढ़नी है हाइड्रोलिक प्रेस क्या होता है, तो वो फिजिक्स की 9th-10th की किताब में आप देख लें, उसमें पूरा लिखा गया है। इस वजह से यहाँ इतना ज़्यादा समझाना मुमकिन नहीं हाइड्रोलिक प्रेस कैसे काम करता है। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया पिस्टन का अगर काटा जाए तो एरिया है क्रॉस 0.01 स्क्वायर मीटर। अच्छा, एक काटन बेल दूसरे पिस्टन दबाई जा रही है उस पर कुव्वत मालूम करें, जबकि क्रॉस सेक्शन एरिया 1 स्क्वायर मीटर है, दूसरी साइड का 1 स्क्वायर मीटर है। तो लाजमी तौर पर जब इस तरफ दबानी है तो पानी जो हाइड्रोलिक का पानी होगा वो फोर्स से उसको दबाएगा। तो यहाँ लिखा जा रहा है फर्स्ट क्रॉस सेक्शन एरिया 0.01 स्क्वायर मीटर, यह एरिया निकाला गया है, इस वजह हमें वो एरिया नहीं निकालना। फर्स्ट फोर्स है 100 न्यूटन, तो प्रेशर बराबर होता है फोर्स बटा एरिया, आपको पता है फोर्स बटा एरिया, तो फोर्स 100 है, एरिया 0.01 है, तो हमारा ये प्रेशर निकल 10^4 पास्कल, 10^4 पास्कल, ठीक है। तो यह वो न्यूटन वो जो है बटा स्क्वायर मीटर ये एरिया से। ये सेकंड केस में लेते हैं, पहला केस तो हमारा हो गया है, सेकंड केस में लेते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 स्क्वायर मीटर है, और सेकंड केस में फोर्स कितनी है ये हमने मालूम करनी है, इसको सवालिया निशान दे दिया है, यानी सवालिया निशान न्यूट्रल दे दिए। तो मस्ट बी, अब हकीकत बात ये है कि इसमें फर्स्ट प्रेशर इज इक्वल टू सेकंड प्रेशर, ये इसको हम बराबर करेंगे और हमारा जवाब आ जाएगा, ये हमारा फर्स्ट प्रेशर है, ये सेकंड प्रेशर है, ये होगा। तो ये तो वो पिछले सवाल में दिए गया 100 बटा 100 n/0.01 इज इक्वल टू सवालिया ये n बटा स्क्वायर मीटर, तो ये वो सवालिया n जो जवाब निकालना है ये आ गया वो 10000 ये वो न्यूटन, तो ये आ गया 10^4 न्यूटन, ये हमारा आंसर आ गया 10^4 न्यूटन। ये हमारा सवाल ख़त्म हुआ, थैंक यू वेरी मच।